हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी मोमोज़ की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी। ये बच्चों को, बड़ों को और सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलें बनाना शुरू करें मोमोज़। हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादानुसार और 2 चम्मच तेल, टेबल स्पून ऐड कर लेते हैं। इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसका हम, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, ना ही नरम और ना ही ज़्यादा सख्त, तो ऐसा डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा तैयार हो गया। देखिए, ये ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है। तो चलिए, आटा हमारा तैयार हो गया। तो आप इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दें। तो बना लेते हैं हमारी स्टफिंग। तो देखिए, मैंने स्टफिंग के लिए यहाँ पे ली है मैगी। ये लगभग 1 कटोरी मैगी है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जी, कोई कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ मैगी ली है, तो मैं मैगी में ऐड करूँगी थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च लगभग 2 चम्मच, और लगभग 2-3 मैंने ये कलियाँ लहसुन के लिए हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना आप इसकी अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पनीर, 2-3 चम्मच इसमें पनीर ऐड करें, मिक्स कर लें। इसमें मैगी में पहले ही मसाले होते हैं, तो आप देख के मसाले डालें। अगर आप बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो स्पाइसी ना बनाएं। तो मैंने इसमें लगभग थोड़ा सा ही चाट मसाला डाला है, हल्का सा। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा आटा बनकर तैयार है। एक बार और इसे हाथ से प्रेस कर लेते हैं। अब हमें छोटी छोटी लोइयां लेनी है इसकी। ये देखिए, बहुत छोटी छोटी, इस तरह से सभी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, सारी लोइयाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। इसमें से एक लोई ली और बाकी सबको आप ढक के रख दें, वरना ये सूख जाएगा। तो इस पर हमें मैदा नहीं छिड़कना। आप इसे हल्के हल्के हाथों से पतला बेलना है। ये देखिए, मोटा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल। और इसके जो कॉर्नर है, इसको थोड़ा सा पतला बेल लें और बीच में से हल्का सा मोटा रहेगा, ज़्यादा नहीं। इसके जो कॉर्नर हैं उनको बिल्कुल पतला करना है। ये देखिए, ये ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला। अगर इसे बेलने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हल्का सा तेल लगा सकते हैं, लेकिन आप इस पे आटा ना लगाएं,
तेल का यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। एक चम्मच मैंने इसमें स्टफिंग लिया और चलिए बना लेते हैं इसे। चलिए अपना मोमोज तैयार कर लेते हैं। हमें इस तरह से इसको शेप देनी है, ये देखिए। एक हाथ से उठाना है ऐसे और उसको प्रेस करते जाना है इस तरह से। ये देखिए, नजदीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। एक हाथ से ऐसे प्रेस करना है और दूसरे हाथ से इस तरह से उठा के और यहाँ पे जोड़ना है ऐसे। ये देखिए, अंगूठे से ऐसे प्रेस करें और दूसरी उंगली से आप इसे, ये देखिए, इस तरह से दबाते जाना है। ये देखिए, हमारा मोमोस तैयार हो गया। ऐसे है, दूसरा देखिए बना के दिखाती हूँ मैं आपको एक और। देखिए, हल्का सा आप इस पे ऑयल लगा लें। स्टफिंग, एक चम्मच स्टफिंग। स्टफिंग ज़्यादा ना डालें वरना इससे निकल जाएगी और हमारे मोमोज जो अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए इस तरह से एक हाथ से ऐसे कॉर्नर दोनों को मिलाना है और अंगूठे से प्रेस करना है और दूसरे अंगूठे से हमें इस तरह से, ये देखिए, एक अंगूठे से प्रेस करना है, दूसरे अंगूठे से इस तरह से दबाना है इसे। ये देखिए, हमारे मोमोज बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम सभी मोमोज तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे आप दो चार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत जल्दी आपके ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से सभी मोमोज तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सभी मोमोज बनकर तैयार हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो हमने इसे मीडियम हीट पे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए। और चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। अगर आप इसे हाई हीट पे गर्म करेंगे और तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। अगर आपको इसे क्रिस्प बनाना है तो इसे कम हीट पे, मीडियम हीट पे ही चलाएं। हल्के हाथों से इन्हें पलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तलना है। ये देखिए, इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। तो इन्हें हम थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और बाकी के मोमोज को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए बाकी के मोमोज को भी हम फ्राई कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी मोमोज बनकर तैयार हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे भी एक प्लेट पे। ये देखिए, तो देखिए हमारे मोमोज बनकर तैयार हैं। सर्व करें अपनी टेस्ट के अनुसार। आप इसे ग्रीन सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और मैंने यहाँ ली है रेड सॉस, चिली सॉस ली है ये मैंने। तो चलिए इंजॉय कीजिए आप इसे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।